हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशु प्रियर्स। तो आज का हम फर्स्ट वीडियो में बनाने वाला है कार्डबोर्ड से लिपन आर्ट। इसके लिए हमें चाहिए टिश्यू टेप्स एंड कार्डबोर्ड। एंड टिश्यू टेप को मैं बॉर्डर में लगा दी हूँ। अब ये तो रेडी हो चुका है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मॉल्डेड क्ले का, जो आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी, जो थे पैकेट में आती है। इसमें दो क्ले होते हैं, उसे आपको मिक्स करनी पड़ती है। तो क्ले को मिक्स करके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर में। हम यहाँ पे स्क्वेयर शेप में बनाने वाले हैं, तो बॉर्डर में क्ले को इसी तरह से कटर की मदद से कट कर दिया जो पार्ट बची हुई थी, और ऐसे ही करते दोनों साइड में लगा दी हूँ। इसके बाहर वाले पार्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, बीच में मैं और एक लाइन बनाने वाली हूँ मिरर ऐड करने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे भी इसी तरह से क्ले को यूज़ कर देती हूँ। मिडिल पे हम बनाने वाले एक फ्लावर जैसी लीफ शेप्स, तो इसके लिए क्ले का यूज़ कर रहे हैं बोथ साइड। तो ये बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुकी है। यह हम कटर की मदद से साइड में डेकोर के लिए इसी तरह से डिज़ाइन कर देते हैं पूरी में। तो यहाँ ये बन के कम्प्लीट हो चुकी है, और इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और इसे हम पहले वाइट कलर यूज़ करेंगे। आप एक्रिलिक कलर या गेसो का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पे वाइट कर देती हूँ, उसके बाद में जो भी कलर पसंद हो आपको आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने पूरी पे वाइट कलर कर दिया है, और ये ड्राई भी हो चुकी है। तो यहाँ हम कुछ अलग सा कलर यूज़ करने वाला है। यहाँ मैं मैरून कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बीच में भी हम मैरून कलर कर रहे हैं। बीच में जो फ्लावर्स के लिए हमने छोड़ा है उसे छोड़ के बाकी सारे में हमें मैरून कलर कर देनी है। अब तक कलर ड्राई हो चुकी होगी, यानी पूरी तरह से सूख गई है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मिरर्स को, एक एक करके इसी तरह से सारे मिरर्स को लगाते जाएंगे। यहाँ बॉर्डर के सारे मिरर्स लग चुके हैं, और इसे मैं मिडिल में सारे मिरर्स को लगाने वाली हूँ। यहाँ मैं लीप शेप का मिरर यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से दोनों तरफ लगाते जाऊँगी मिरर्स को। तो वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ हमारे ये मिरर्स का वर्क कंप्लीट हो ही चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका हम फाइनल लुक की ये किस तरह से लगती है कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक वेस्ट बॉटल्स का, जो कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो और उसे फेंक देते हो, और इसी बॉटल का यूज़ से मैं फ्लावर वेस बनाने वाली हूँ। कटर की मदद से मैं बॉटल का स्टिकर वगैरह सब कुछ हटा चुकी हूँ, और इससे मैं कट भी कर लूँगी उसकी शेप में।
बॉटल को हमने अपने शेप में कट कर लिया है और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लैक एक्रेलिक कलर। आप कुछ और कलर यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं तो यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर पेंट कर रही हूँ और इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो इसे ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं गोल्डन पेंट का। यहाँ आप गोल्डन एक्रिलिक कलर या कोई भी अलग सा मेटेलिक कलर यूज कर सकते हैं। फिर इसे हम और डेकोर करने के लिए इस टूल्स का यूज कर रही हूँ और इसे डॉट डॉट शेप में पूरे बॉटल्स में यूज करती हूँ। तो यहाँ हम और थोड़ा डेकोर्स करते हैं और मिरर्स में मिरर्स का यूज करते हैं। आप चाहो तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये DIYs आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।